कितना अच्छा है ये ड्रीम इज द मॉम मान गई है, हम है चौकी की करीम इज द हे। काश हमारा ये सपना सच हो जाए। होगा, हमारा सपना जरूर सच होगा। हर कुत्ते का दिन आता है, जेंटलमैन का भी आया है, और फिर हम तो इंसान हैं। मुझे लगता है मेरा दिन सबसे पहले आएगा। वो दिन, वो दिन नहीं आएगा भैया। कौन सा दिन? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। इसके बिस्कुट रखे थे मैंने जेंटलमैन के यहाँ, कल कहाँ गए? कौन खा गया तुम में से? मैं तो जी सुबह से बीबी की डांट खा के आया हूँ, मैं तो कुछ नहीं खाया जी। मैडम, मैं भी आलू के पराठे खा के घर से चला था, फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भूख लगी नहीं उसके बाद। मैडम, जेंटलमैन के बिस्कुट मैंने भी नहीं खाए मैडम, वैसे भी मैं कुत्तों के बिस्कुट नहीं खाता हूँ। अच्छा, पूरा पैकेट यहाँ रखा था, लेकिन किसी ने बेरा कोई ना आया कि कौन खा गया। चलो कोई बात ना है, इफ जेंटलमैन खुद पता लगाएगा कि उसके बिस्कुट किसने खा लिए हैं जी। चलो लाइन में लगो जरा तीनों, बहुत बेइज्जती हो रही है। तो कोई बात नहीं, करो जी करो जी, सदके करो। आजा आजा गोभी, आजा आज आजा आजा बेटा, इधर इधर आजा, इधर आजा। चल बेटा, पता लगा किसने खा लिए बिस्कुट हैं बुढ़ापे में अपने पोपले मुंह से। तू नहीं? अच्छा, और इसने कमिश्नर के साले ने नहीं, इसने नहीं खाए तो इसने। बेटू, मैडम मैंने सिर्फ दो बिस्किट खाए मैडम, पूरा पैकेट किसने खाया मुझे नहीं पता। कुत्ते के बिस्किट खा गया तू बेचारे जेंटलमैन के? हाँ, टेस्टी थे। अच्छा गोपी, इसको अपने स्कूटर पे लेके जा और मार्केट से जो है ना जेंटलमैन के लिए नए बढ़िया वाले बिस्कुट लेके, और पैसे यो देगा। मैं हाँ, और वो जो 250 ग्राम 1000 रुपए वाले मिलते हैं ना एक्सपेंसिव वाले, वो ले गया बढ़िया वाले। अरे मैडम, कुत्ता इतना छोटा सा, उसके लिए इतने महंगे? 2 किलो लेके आ। चल पूछ ले कुछ और। नहीं नहीं चल 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 चल। मैडम मुझे पहले ही शक था कि ये गुलगुले जी का काम है। भूखा है वो सवेरे से, उसने ब्रेकफास्ट ना करा है, उसकी मिड मॉर्निंग मील का टाइम हो रहा है, दूध पिलाने लेके जा। चल चलो ए जेंटलमैन, जेंटलमैन। फ्लेवर्ड मिल्क पिलाया इसको बढ़िया स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है। चॉकलेट पूछ लियो कौन सा पिएगा, चॉकलेट पिएगा चॉकलेट पिला दियो। गुड, हमारे साले रमेश की राजनीति रसमलाई है महोदय। बात दरअसल ये है कि कुछ लोग जो हैं हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। वो क्या है ना कि हमारा जो काफिला है वो चुटपुटिया गंज से होते हुए जो है टिमरकन टोला तक जाएगा। लेकिन महोदया, हमको एक बात पता चली अपने विश्व सूत्रों के अनुसार कि कुछ आंदोलनकारी लोग जो है रास्ते में हमारी कार को रोक के हमारा मुंह काला करेंगे। ठीक है, आप चिंता ना करिए, आपका मुंह काला नहीं होगा। वो कैसे? वो ऐसे कि कल जो है आप अपने लोगों के संग अपनी गाड़ी में बैठ के नहीं जाएंगे, बल्कि आप हमारे एक हवलदार के संग जिसका नाम गोपी है उसके स्कूटर पे पीछे बैठ के जाएंगे, वो भी अपने इन कपड़ों में नहीं, साधारण किसी सफारी सूट में। वाह वाह चंद्रमुखी जी, वाह क्या प्लान बनाया है, वाह। लेकिन गोपी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसके स्कूटर के पीछे नेताजी बैठे हैं। वो एक नंबर का चमचा है, वहीं पे चमचागिरी करनी शुरू कर देगा और लोगों को पता चल जाएगा कि मंत्री जी इसके स्कूटर के पीछे बैठे। जी सर ठीक है, ऐसा ही होगा, उसे यही लगेगा कि एक मामूली क्लर्क उसके पीछे बैठा है। चाय आ गई? सर
आपके पीछे एक भिखारी घुस आया था सर। अरे सर फिर से आ रहे सर, भिखारी आ रहे सर, भिखारी फिर सर। शट अप। मैं अपनी मिसेस का मिस्टर और सरकार में मिनिस्टर हूँ। राजनीति रसमलाई है। यो नेताजी की यो हालत कैसे हो गई? ये सब नालायक गोपी की वजह से हुआ है जिसके स्कूटर के पीछे ये बैठे थे। नेताजी आप जरा खुल के बताएंगे कि आप कल मुंह कैसे हो गए? सॉरी सर, वो बिल्लू। नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। महोदया हुआ ये कि जो हमारा काफिला है ना वो आगे निकल चुका था और हम जो है गोपी के साथ उसके स्कूटर में उसके पीछे बैठे हुए थे। तभी अचानक जो है उसने अपना स्कूटर जो है एक पान की दुकान के सामने खड़ा कर दिया। हाय, और हमसे कहने लगा कि क्या है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक पान खरीदना चाहता है। तो हम भी उतर गए वहां पे और हमने भी अपने लिए एक पान बनवाना शुरू कर दिया। राजनीति रसमलाई है। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे कौन से पान वाले के पास रुक गए आप? बांदा रोड पे जो चौरसिया पान वाला है वहां का पान खाया कभी आपने? क्या पान बनाता? नहीं नहीं सॉरी, बट क्या पान बनाता है? एकदम ललन टॉप लॉलीपॉप। डॉक्टर पांडे यहाँ मजाक नहीं हो रहा है सर, हम सीरियस है सर। तो हुआ ये, मैं अपना पान लगवा रहा था और उसने अपना पान लगवा दिया। तभी उसके फोन पे एक फोन आया और उसने जोर से चिल्लाया लप्पी, और लपाट गया वो। मेरा मतलब कहने का ये है कि उसने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और हमको वहीं पे छोड़ के और वो 9:11 हो गया। तो आपने उसे आवाज ना लगाई? रोका नहीं आपने उसे? अरे हमने उसको आवाज दी। अरे इतनी तेज में चिल्लाया, चिल्ला चिल्ला के हमारा गला बैठ गया। हमने कहा अरे भाई गोपी, अरे तुम हमको लिए जो हमको यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हो? अरे हम मिनिस्टर हैं भाई, हम मिनिस्टर हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ सर? आया गोपी वापस आया? अरे गोपी कहाँ आया, लेकिन इत्तफाक से वो जो पान वाला था वो उन आंदोलनकारियों का साथी निकला। अब बस, अरे उसने सुन लिया कि भाई मैं ही मिनिस्टर हूं। अरे हमको उसने धर पकड़ा, हमारे मुंह पे उसने वो जबरदस्त काली लगाई, ये हाल किया उसने हमारा। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हम सब काफी शर्मिंदा हैं। ये काफी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी है गोपी ने। हम सब आपसे माफी मांगते हैं सर उसके बिहाफ पे। करेक्ट मिनिस्टर साहब, बिल्कुल करेक्ट। और हम खुद आप अपने हाथों से आपका मुंह साफ करेंगे, आपको नहलाएंगे, हम खुद करेंगे। वो गोपी खराब नहीं है, अब भूल जाइए, अगली बार ऐसा ना होगा। अरे जब हम होने देंगे तब होगा ना है? अगर आप लोग शांत हो जाइए, अपनी अपनी दलीलें मत दीजिए, समझे ना। हम इस गोपी के बच्चे को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। हाँ देख लेना, अरे हम इस गोपी के खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठाएंगे, और जब तक उसको मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर नहीं कर दूंगा ना, तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। राजनीति रसमलाई है। कमिश्नर ध्यान रखना। अरे सर माफ कर दीजिए सर। अरे चलो। अरे सर अब क्या सर, ये तो गोपी को लेता जी। देखो गोपी ने जैसा किया वो वैसा ही भरेगा, समझे सर। कहाँ है यो बुढ़ाऊ पंजाबी? जैसे ही आता है आपके पास भेजता हूँ मैडम। बिल्कुल नहीं, हमारे सामने आ गया तो गोली मार दूंगी मैं उसे। मैडम मैंने गोलियां डाल दी आपकी बंदूक में। गोलियां हमारी बंदूक में भी है और किस पे चलेगी ये सब जानते हैं। हाय जेंटलमैन, हाय एवरीबॉडी, हेलो, क्या बात है भाई? एक चुपचाप बैठा है, एक खड़ा है। अभी काके तेरा चंपी कर। क्या हुआ यार? आना यार चप्पी कर फटाफट, सर दुख रहा मेरा।
मुड़ा हुआ क्या क्या नौकरी से निकाल तो दिया कहीं तुम्हें? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ करेक्ट। क्या जरूरत थी गोपी? तू बता तुझे क्या जरूरत थी वहां पर उस पान की दुकान पे मंत्री जी को छोड़ के तू अपना स्कूटर लेके चला क्यों गया? एक्सक्यूज मी, मेरे स्कूटर पे नहीं बैठा था कोई मंत्री इसदा, सफारी सूट पहन के बैठा था कोई संतरी इसदा। नहीं भैया, आपके स्कूटर के पीछे जो बैठे हुए थे वो मंत्री जी ही थे। उनको धमकी मिली हुई थी कि उनका मुंह काला कर दिया जाएगा, इसलिए मैडम ने प्लान बनाया था कि उनको आपके स्कूटर के पीछे बिठा के भेजा जाएगा सफारी सूट पहना के। लेकिन आप उनको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, उनका मुंह काला कर दिया गया है। Well, इसमें मेरी क्या है खता इसदा? वो कोई मंत्री है, मुझे नहीं था पता इसदा। वैसे मंत्री जी को पान की दुकान पे छोड़कर तू गया कहां था? ओ क्या है यार, जब मैं स्कूटर पे उनको लेके जा रहा था ना, रास्ते में लप्पी लूथरा का फोन आ गया था कि उसके पाँव में मोच आ गई है। बस मैं उनको वहीं छोड़ के ना लप्पी के घर चला गया। उसके पाँव पे ना अभी हल्दी का लेप लगा के आ रहा हूँ। अब लेप तेरी नौकरी पे लग गया है गोपी, क्योंकि मंत्री जी ने तो कसम खाई है कि वो तुझे नौकरी से निकलवा के रहेंगे। Well, अब मॉम से ही है आस इसदा, अब मैं जाता हूँ उनके पास इसदा। भूल के भी मैडम के सामने मत चले जाना आप। आपने ड्यूटी के वक्त ब्यूटी को तवज्जो दी है, मैडम आप पे खुंदक खा के बैठी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरे सामने भी आ गया ना तो यहाँ गोली मारूंगी, यहाँ तक ये सॉरी भी ना निकले। गुलगुले मेरी नौकरी बचा लो यार, मेरे दोस्त कुछ कर रहे यार। बिल्लू कुछ कर रहे यार, कभी मेरी नौकरी चली जाएगी यार, कर सोचो। चाय आई क्या? क्या हुआ सर, कोई बात बनी? Well, सर, आपका मुंह क्यों है लटका इसदा? लगता है मुझे लगने वाला है झटका इसदा। सर, आप तो वो मंत्री जी को मनाने गए थे ना सर, तो क्या हुआ सर? क्या हुआ जीजू? नहीं, आपकी बोलती क्यों बंद है? यहाँ दीदी थोड़ी ना खड़ी है, आप बोलो ना। मैंने मंत्री जी को बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। जहां तक कि मिस चौटाला ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी भी बात नहीं सुनेगी। मंत्री जी का कहना है कि गोपी एक नकारा हवलदार है जिसे पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं। सर, गोपी, हम मानते हैं कि गोपी नकारा है, काम चोर है, कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन सर वो हमारा साथी है और हमें उसका साथ देना चाहिए। सर, पता नहीं क्यों उसकी भोंडी शक्ल देखने की आदत सी हो गई है। आई लाइक हिम सर, प्लीज कुछ करिए। इंस्पेक्टर पांडे, तंबू उखड़ चुका है, गाड़ी छूट चुकी है, और ये देखिए। ये क्या है? किसने दिया लव लेटर ये आपको? करूं मैं अभी दीदी को फोन? Shut up! लगता है कल की पिटाई भूल गए आप। हमें घर की पोल खोलना सबके सामने जरूरी है क्या? तेरे मेरे हाथ में जो कागज है ये इंक्वायरी के ऑर्डर्स हैं। एक बड़ा ऑफिसर आएगा और इंक्वायरी करेगा कि गोपी को इस पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का हक है या नहीं। चाहे तू Well, mom, I am sorry, is the truck car lorry is the... मेरा बच्चा। जितना मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा,
उससे कहीं ज्यादा इस बात का अफसोस है कि आपका मेरी वजह से सर झुक गया। मॉम, आप मुझे गोली मार दो, इसे आपा खत्म करो, गोली मारो। मॉम, मत लीजिए मेरी बात को इतना सीरियसली, इसका गोली छोड़ के आप तोड़ दीजिए मेरी हड्डी पसली। इसका कितनी बार मैंने थारे से कही थी गोपी कि काम में मन लगा ले, ड्यूटी कर ले, ड्यूटी कर ले, ड्यूटी के वक्त अड़ोसन पड़ोसन लप्पी पप्पी के चक्कर मत रहे, एक दिन फंसेगा, एक दिन बुरा मरेगा, तो ये मरले मारी कोई जिम्मेवारी ना है, प्लीज। मेरो मेरो तो मेरी जान की परवाह मत कर, मेरो तो तू बसंती को लेके पहाड़ी वाले रास्ते से भाग जा, मान जा, मैं यहाँ पे गब्बर के आदमियों को रोकता हूँ। वेरो, जद मत कर, वेरो, जद मत कर, जद मत कर, वेरो, मैं यहाँ पर गब्बर के आदमी करूँगा, सुन, सुन, वेरो, अगर, अगर मुझे गब्बर की गोली लग गई ना, तो तू, तो हमारी दोस्ती की कहानी अपने बच्चों को सुनाएगा, हाय, हाय, सुनाएगा ना, बोल। तूने ये क्या किया? बेवफा हो गया वाद। बनाना मिल्क शेक पिला के लाए सच। मैडम, मैडम, गोपी मैडम कहाँ है? वहाँ है। अरे इधर मर गया, तू कहाँ मर रहा है? अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं। मैं तो हेडक्वार्टर गया था ना मैडम, पता करने के लिए कि वो सीनियर अफसर कौन है जो गोपी की इंक्वायरी करने आ रहा है। Well, who the शीदा आर इज द प्रेम चोपड़ा या अक्षय कुमार इज द? बता रहा हूँ मैडम, मैंने पता किया, उसका नाम है इंस्पेक्टर खतरनाक खरबंदा। Excuse me, तुम लोग ने क्या कहा? खतरनाक खरबंदा आ रहा है। क्यों सर, आप उसे जाने? जानते हैं, मतलब उसका नाम है खतरनाक खरबंदा, डरता है उससे हर एक बंदा। आप उसे जाने? जानते हैं, मतलब उसका नाम है खतरनाक खरबंदा, डरता है उससे हर एक बंदा। भैया टिकट कटवा ले बुढ़ाऊ, गया तू इस चौकी से? संकट के बादल साफ दिखाई दे रहे हैं मन्ने थारे सर पे, किसी भी क्षण एक यमदूत आता होगा तेरे लेने। क्या खतरनाक खरबंदा? हम हैं इंस्पेक्टर खतरनाक खरबंदा, डरता है जिससे हर बंदा, बात को समझो इशारे में। हेलो सर, माइसेल्फ चंद्रमुखी चौटाला, यो है सीनियर इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, यो बिल्लू, यो गुलगुले, यो जेंटलमैन और यो अपना गोपीनाथ गंडोत्रा। पैरी पन्ना जी, इन सब में मुझे तुम काफी इंटरेस्टिंग लग रही हो चंद्रमुखी। hey, 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 hey. अपने बारे में और बताओ, बात को समझो इशारे में। सर जहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन है, आप हमारे पे ना बल्कि गोपी पे इंक्वायरी करने आए हैं। गोपी, इस पे तो मैं ऐसी इंक्वायरी करूंगा कि इसकी सात पुश्ते याद रखेंगी। बाल की खाल निकाली जाएगी, गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे, इतिहास खंगाला जाएगा, क्योंकि हम है खतरनाक खरबंदा, डरता है जिससे हर बंदा, बात को समझो इशारे में।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.